नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांदा यूपी, गर्भवती महिला की लाश फांसी के फंदे में झूलती मिली। मड़िया नाका निवासी साधना पत्नी संतोष 26 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसा कि पड़ोसियों द्वारा बताया गया, उक्त महिला गर्भवती थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया? मृतका के पति रोडवेज के संविदा कर्मी बताए जा रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कुछ भी बताने से परहेज करते हुए कहा कि हम लोग व्यापारी व्यक्ति हैं। इस घटना के संबंध में हमें पता उस वक्त चला जब हम लोग शाम को अपनी दुकानें बंद करके अपने घर आए और दरवाजा न खुलने की वजह से पुलिस को सूचना दी, जिसमें पुलिस के आने के बाद दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि साधना फांसी पर लटकी हुई है। मृतका की जेठानी ने बताया कि संतोष की शादी अभी हाल ही में 2 वर्ष पूर्व हुई थी। संतोष अपने माँ बाप से अलग होकर बीवी के साथ रहता था। क्या कारण है इस घटना का, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। कौन सा मोहल्ला है? मरियना का। क्या हुआ है अभी? क्या हुआ यहाँ पे, क्या देखा आपने अभी? क्या फांसी में लटकी थी, हमें 6 बजे आए हैं। अच्छा, यहाँ थे। क्या कोई लड़ाई लड़ाई होती थी आपस में? नहीं, कुछ नहीं। कौन है ये आपकी? हमारे दिरा। अच्छा, कैसे लगा लिया? कोई समस्या थी, कोई परेशानी, क्या था? हम रहे नहीं यहाँ पे। अच्छा, कितने साल पहले शादी हुई है इनकी? इस साल अप्रैल से 3 साल हो गए। अच्छा, कोई बच्चे बच्चे भी हैं इनके? क्या पेट में है? पेट में ही बच्चा है। अच्छा, क्या हुआ है? ये हम लोग दुकान में थे, मिसेज को मुआकर में छोड़ आया था, तो हम रहे नहीं थे, दुकान में थे। मिसेज अभी 6 बजे आई है जब मुझे फ़ोन किया, और ये बच्चा फोन हमारे बच्ची गई है स्कूल लेवाने, जब आई है जब दरवाजे बंद थे। दरवाजे बंद थे, फिर कैसे दरवाजे खुले? दरवाजे उसके लड़की को पापा को बुलाया और प्रशासन अधिकारी बुलाया, पुलिस वालों को, तो इसके बाद दरवाजा खुलवाया। क्या कोई लड़ाई हुई थी? कोई लड़ाई नहीं। शादी कितने साल पहले शादी हुई है? 2 साल पहले। क्या कोई बच्चे भी हैं? हाँ, पेट में है उनके। और दरवाजा खुलने के बाद क्या देखा था आप लोगों ने? फांसी में लटकी थी पंखा पे। ये कल 8 को ये दिन में ये घटना हुई है। साधना वाइफ ऑफ संतोष मढ़ियन्ना का यहाँ पे कालवनगंज चौकी क्षेत्र का मामला है, कोतवाली नगर का। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। इसने इसके जेठ ने हमारे कोतवाली में आके सूचना दी है कि दरवाज़ा बंद करके और फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, इसका पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और बाकी कार्रवाई इसकी जारी है। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कारण है, कुछ मालूम? कारण का कुछ पता नहीं है। लोग जैसा कि बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा डिप्रेशन में थी, और इसके बारे में अभी हम लोग आगे भी पता कर रहे हैं। धन्यवाद। देश व दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टी न्यूज़।